विजय को मैंने मरवाया था? मैंने? मार तो हर रोज मैं खाती थी साहब। शायद यही वजह थी मरवाने की। विजय के बिना कैसे जिंदगी बिताई है मैंने, आप क्या समझेंगे? बेटी मानसी के साथ साथ उसके माँ बाप को भी मैं ही संभाल रही हूँ, पांच पांच घरों में काम करती हूँ, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। ओमकार प्रसाद और रतन राव दोनों फरार, मर्डर केस में दोनों जमानत पर थे, पर तुमने क्यों नहीं की? हमें पता तक नहीं लगने दिया। मुझे भी आज ही पता चला है, और ओमकार और रतन जेल जा चुके हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। और वो तो विजय के अच्छे दोस्त थे, कितनी मदद की थी उन्होंने मेरी विजय को ढूंढने में। सब नाटक जो 1.5 साल तक अच्छी तरह चला। पूरे चांसेस हैं कि रतन राव और ओमकार प्रसाद ने विजय को या फिर नीलेश दोनों का मर्डर किया। बाकी दो कौन थे? मुझे कैसे पता होगा साहब? क्योंकि शायद तुम पांचवी हो। ओमकार यहीं मागी हली में था जब हम विजय के कत्ल की पूछताछ के लिए तुम तक पहुंचे। तुमने उसे इन्फॉर्म कर दिया और वो फरार हो गए। जख्म पे नमक मत रगड़ो साहब, मेरी छोटी बच्ची है, अभी तक मैंने उम्मीद नहीं हारी थी, हर रोज राह देखती थी, आज आएगा विजय, कल आएगा विजय, और रतन और ओमकार के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। और अगर वाकई में उन्होंने विजय का खून किया है तो सबसे पहले मुझे पूछना है क्यों। रतन राव और ओमकार प्रसाद 2 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे निखिल बारगी नाम के एक आदमी के मर्डर में। धवल, तुमने फोन पर कहा था कि मर्डर का मास्टरमाइंड अभी तक तुम्हारी कस्टडी में है। संदीप दीक्षित नाम है उसका। संदीप को अभी तक बेल नहीं मिली, और इस संदीप का विक्टिम निखिल बारगी की वाइफ स्मृति बारगी के साथ अफेयर चल रहा था। संदीप और स्मृति ने मिलकर साजिश रची थी निखिल के मर्डर की। इन्होंने इस कत्ल को चोरी का एंगल देने की कोशिश की थी, लेकिन हमें दाल में कुछ काला लगा। निखिल की पत्नी स्मृति साफ साफ हमारी मुख्य संदिग्ध थी, और वो कन्फेस भी कर गई थी कि उसने अपने प्रेमी संदीप के साथ मिलकर निखिल का मर्डर करवाया। संदीप को तोड़ा तो उसने खुलासा किया कि उसने रतन राव और ओमकार प्रसाद को सुपारी दी थी निखिल बारगी के खात्मे के लिए। हमें कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला कि आप लोग रतन राव की तलाश में। धवल, मुझे संदीप से क्वेश्चन करनी है। सब कुछ तो बता चुका हूँ कोर्ट में। फिर से बोल संदीप। सुपारी मैंने रतन राव को दी थी, ओमकार प्रसाद को रतन ही लाया था। ये रतन कहाँ से मिला? पुरानी पहचान थी, नंबर था रतन का, मालूम था कि पैसों के लिए वो कुछ भी करेगा, इससे पहले भी कर चुका है। किसका मर्डर किया पहले, रतन ने इन दोनों का? मुझे नहीं पता रतन ने पहले किस किस को मारा और क्यों। ये रतन राव कहाँ मिलेगा अभी? फोन स्विच ऑफ है उसका। संदीप कुछ छिपा मत, बोल दे। मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि रतन आपको कहाँ मिलेगा, आपको वही मिला ना वो। अब उसका और कोई ठिकाना है तो मुझे नहीं मालूम। कोई और जानकारी है उसके बारे में जो हमारे काम आ सके? रतन और ओमकार के साथ एक और बंदा आने वाला था, ओमकार लाने वाला था उसे, कार्तिक गिरी करके बंदा था। तो पहले क्यों नहीं बताया इस कार्तिक गिरी के बारे में? वो काम के लिए आया ही नहीं, तभी तो नहीं बताया। ये कार्तिक गिरी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला मजदूर है क्या? पता नहीं साहब, वो तो रतन मुझसे बोला था कि मर्डर के लिए और 2 आदमी उसके साथ आएंगे। ओमकार को तो मैं मर्डर की रात को मिला, वो ओमकार से पता चला कि कोई कार्तिक भी आने वाला था पर नहीं आ पाया। सर एक बैड न्यूज है, अभी कार्तिक गिरी यहाँ से गायब हो गया। ये हो क्या रहा है जी? तो इस केस में लोग गायब होते हैं फिर मरे हुए पाए जाते हैं, और जिन लोगों की लीड हमको मिलती है वो लोग भी गायब हो जाते हैं। सर यही सारी चीजों से मेरा दिमाग का दही हो रहा है। लेकिन सर वो उस कार्तिक के साथ में जो दूसरा बंदा था ना पद्माकर, वो अभी भी यही है, अभी अभी मेरी उससे बात हुई है। कार्तिक तो मेरा सिर्फ दोस्त है, वो भी यहाँ काम पे, बाकी टाइम वो क्या करता है क्या नहीं कैसे पता चलेगा? जब मैंने तुझसे और कार्तिक से पहले बात की तो तूने क्या बोला था कि तू ओमकार प्रसाद, रतन राव, नीलेश और विजय कोटियान इन सबको जानता है? अरे एक साथ मिट्टी उठाते थे हम। लेकिन तुझे कभी यही पता नहीं चला कि वो किस मिट्टी से बने? ओमकार प्रसाद और रतन राव दोनों हिस्ट्री चीटर हैं। ये लोगों की कुंडलियां निकलवाना तुम खबरियों का काम, हम मजदूरों का नहीं। तू एक काम कर, हमारे सुपरवाइजर रामटेक अन्ना के पास जा और उसका सर खा। ये बात तो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है,
कि कोई विजय और नीलेश जैसे गरीब मजदूरों का मर्डर वर्डर क्यों करेगा। दूसरी बात, वो कार्तिक दो दिन से काम पे नहीं आया। अब इतनी सी बात से मेरी ट्यूबलाइट कैसे जलेगी कि ये कार्तिक भी उस ओमकार की तरह पुलिस से बचता भाग रहा होगा। सर, मैं इस कार्तिक के घर पर होके आया, ताला लगाया वहाँ पर। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो बोरिया बिस्तर लेकर गायब हो गया। 2015 में दिवाली का टाइम 9 नवंबर को तेरे चंद्रू भिखारी ने 4 लोगों को विजय को पटरी पर लेटाते हुए देखा था। उन चारों में से 3 ये हो सकते हैं, ओमकार प्रसाद, रतन राव और ये कार्तिक गिरी। हमें इन तक पहुंचना है, इनको पकड़ना है जीतू। इन तीनों के पीछे मेरी पूरी फौज पड़ी। सर, मैंने उस कविता के बारे में बताया था ना आपको, तो नीलेश के गायब होने के बाद बार बार उसे पूछने आती थी 2010 में। वो जिसका पति दयानंद 2009 में गायब हुआ था। जी सर भाई, मुझे लगता है इस कविता का इस केस के साथ जरूर कुछ लेना देना सर, क्योंकि नीलेश के गायब होने के बाद वो भी गायब हो गई थी यहाँ से। काम करो, जाके चुपके से पड़ोसी से पता करो ये कविता कहाँ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी दोस्त नफीसा ने उसको पहले से वॉर्न कर दिया। नहीं साहब, आपकी वो अंजलि मैडम ने कविता को कुछ बताने के लिए मना किया था, तो फोन तक नहीं किया मैंने कविता को। कविता का नीलेश कोटियान के साथ कोई रिश्ता था? मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि नीलेश कविता के साथ काम करता था। 2010 में नीलेश गायब हुआ और 2015 में नीलेश का छोटा भाई विजय। पूरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का कत्ल हुआ। ये कत्ल वत्ल तो मैं नहीं जानती, पर कविता 2007 में सोलापुर से मांगी हल्ली आई, पर मेरी उससे दोस्ती 2008 में हुई जब मेरा पड़ोसी दयानंद मालगी उसे ब्याह कर लेकर आया चित्रापुर बस्ती में, जहां मैं पहले रहती थी। और दयानंद मालगी गायब हुआ 2009 में, तो हो सकता है दयानंद मालगी का भी मर्डर हुआ, वैसे ही जैसे शायद नीलेश और विजय का हुआ। ये फरवरी 2009 का है। क्या माजरा है, इतने सारे एक्सीडेंट केसेस मर्डर बन के निकल रहे हैं। 2015 का केस हमें 2010 में लेकर गए और 2010 का केस हमें 2009 में लेकर आए। क्राइम ब्रांच का शक है कि 2009 में किसी शख्स दयानंद मालगी को ट्रैक पर लिटा के मर्डर किया गया हो सकता है। नफीसा, जब दयानंद मालगी गायब हुआ तो उसकी पत्नी कविता ने कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई, क्यों? घर आई चमकती तकदीर को कौन ठुकराएगा साहब। मतलब 2008 में मेरा पड़ोसी दयानंद मालगी कविता को ब्याह कर लाया, पर सच कहूं साहब, उसकी औकात ही नहीं थी कि उसकी कोई औरत हो। पहले शराब पीता था, फिर कविता का खून, कभी कभी तो ऐसी हालत कर देता था कि कविता काम पर भी नहीं जा पाती थी। भाग जा कविता, छोड़ दे दयानंद को, तोड़ दे ये शादी। कभी कभी मैं भी यही सोचती हूँ नफीसा दी, पर हिम्मत ही नहीं होती। अगर हिम्मत होती तो उस दयानंद से कभी शादी नहीं करती, पर आई को ना बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। अब भी देर नहीं हुई है, 6 ही महीने तो हुए हैं तेरी शादी को, उसमें ये हाल है। पता नहीं आगे दयानंद तेरे साथ क्या करेगा। कविता, मुझे तेरी फिक्र है, इसीलिए कह रही हूँ, कब तक चलेगा ऐसा? पता नहीं नफीसा दी, कोई इतना जानवर कैसे हो सकता है। मेरी रूह कांप उठती है जब रात को वो दरवाजा खटखटाता है। वो मैं आपके लिए रोटी बना रही थी, इसलिए दरवाजा खोलने में देरी हो गई। कहाँ लगा चल? उसके वैश्यपन को सह नहीं पा रही थी कविता, लेकिन भागकर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी वो। 1 साल ये सब सहते सहते जिंदा लाश बन गई थी वो साहब। वो तो कविता की तकदीर अच्छी थी कि एक रात दयानंद लौटा ही नहीं और उस दरवाजे पर दहशत वाली दस्तक रुक गई। दी, 3 दिन हो गए हैं। सब जगह पूछा, दयानंद जिस दारू के अड्डे पर पीता था वहां गई। सब लोगों का यही कहना है कि उन्हें नहीं पता। कविता,
तू खुश है या दुखी है दयानंद के ना लौटने से? इसीलिए कविता ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई, इस डर से कि कहीं पुलिस दयानंद को ढूंढकर वापस ना ले आए। जी साहब, दयानंद के गायब होने से कविता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई रोज नोचे घसोटे तो कौन रहना चाहेगा उसके साथ? दयानंद के ना लौटने से कविता का दर्द थोड़ा कम हो गया था। दर्द कम हुआ या दर्द कम किया गया? सच बताओ नफीसा, क्या दयानंद को कविता ने मरवाया? नहीं साहब, कविता में ये सब सोचने की बिल्कुल ताकत ही नहीं थी। अगर कविता को दयानंद को छोड़कर जाना ही होता तो कब का छोड़ देती। शादी के 3 महीने बाद उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, अब्बा का पहले ही हो चुका था, फिर वो दयानंद की मार क्यों सहती साहब? कहीं और जाकर अपनी जिंदगी बसा ना लेती? पर अब तक तो वो अंदर से पूरी तरह मुरझा चुकी थी। और फिर निलेशा माली बनकर पानी से सींच कर इस मुरझाई हुई कविता को खिलाने के लिए। कविता और निलेश एक ही जगह मजदूरी करते थे, शायद उन दोनों में दोस्ती हो गई हो। पर शादी के बाद पहली बार खुश देख रही थी मैं कविता को। निलेश से तेरी अच्छी जमती है, शादी कर लेना, तुझे भी सहारा रहेगा और निलेश को भी। नहीं नफीसा जी, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी, ये जो है जैसा है अच्छा है। शादी इंसान को जानवर और जानवर को हैवान बना देती है। चुप कर, कुछ भी मत बोल। एक दयानंद ऐसा निकला तो क्या हर कोई? जिंदगी भी तो एक बार मिलती है नफीसा दी, और इज्जत भी एक ही बार उछलती है कविता। मोहल्ले वाले देखेंगे नीलेश तेरे घर रोज आता है, टाइम नहीं लगेगा मोहल्ले वालों को कुछ चार बातें बनाने में और उसे फैलाने में। भाड़ में जाए मोहल्ले वाले, मोहल्ले वालों को मेरा चबा हुआ चेहरा नहीं दिखता था जब रोज रात को दयानंद मुझ पर टूट पड़ता था, या मेरी चीखें नहीं सुनाई देती थी उन्हें? तो आगे क्या सोचा है? अभी के लिए इतना ही काफी है कि मैं खुश हूं और नीलेश भी। हमें एक दूसरे का साथ पसंद है, काम का बोझ जैसे महसूस ही नहीं होता, और वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वो घर आता है तब भी बहुत अच्छा लगता है, इंसान है वो, अच्छा इंसान। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही नाजुक धागे से बंधे हैं, अगर धागा ज़्यादा कस लिया तो या तो धागा टूट जाएगा या गले का फंदा बन जाएगा। पर कभी ना कभी तो इस रिश्ते को नाम देना ही होगा ना। और जब नीलेश गायब हुआ कविता इस कदर टूटी कि उसने हमेशा के लिए लौट जाने का फैसला किया। सोलापुर में भी कोई खास अपना था नहीं, अकेली रहती है, फिर से एक जिंदा लाश की तरह समझो। क्या है नीलेश? मुझे नहीं पता साहब, कविता ने कभी मुझे नीलेश से मिलवाया नहीं, बस नाम सुना है उसका। तुम जितने लोग भी इस केस में शामिल हो ना, सब में एक बात कॉमन है, तुम सब लोग एक दूसरे के करीब तो हो पर कोई भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानता, या फिर बहुत कुछ जानकर भी सब अनजान बने बैठे। मैडम, पड़ोसियों ने आज सुबह तक कविता मोरे को देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं आज ही गायब होने का प्रोग्राम बनाया उसने? मैंने पीसीओ से ब्लैंक कॉल भी किया था कविता मोरे को, उसने फोन आंसर किया था। अगर वो भाग गई होती तो फोन स्विच ऑफ कर दिया होता। कविता मोरे जी, हम तुम्हें लेने आए हैं कविता, क्राइम ब्रांच से। पर क्यों? ये तो नीलेश है। सितंबर 2010 में ये गायब हुआ था जी, 17 सितंबर को। 18 सितंबर 2010 को अरुणापुरम और हिमगुड़ी रेलवे स्टेशन ट्रैक पर ये लाश मिली थी। नीलेश उसी दिन मर गया था? नहीं कविता, मार दिया गया था।
कविता, रोज रोज क्यों झेलती है उस जानवर को, छोड़ क्यों नहीं देती उस दयानंद? कविता, अब तो दयानंद तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर से गायब है। मुझे ऐसी तस्वीर ना फिर से बनानी और ना ही देखनी है। बहुत डरावनी होती है शादी की तस्वीर। मतलब तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है नीलेश, पर धोखे और दर्द पे ज्यादा भरोसा है, और अब दर्द झेलने की ताकत नहीं है मुझमें। हर ईंट एक जैसी लगती है लेकिन होती अलग अलग है, वैसे ही मर्दों का भी है। नीलेश, बात पूछो। हाँ पूछो। दयानंद के साथ क्या हुआ है, कहाँ है वो? कविता, तुम कहना क्या चाहती हो? दयानंद को मैंने गायब करवाया है। नीलेश, मैं मान ही नहीं पा रही हूँ कि दयानंद जैसा इंसान अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे कैसे जा सकता है। तुम चुप क्यों हो नीलेश? इस बार हम 2009 के एक्सीडेंट केसेस में सीधे सीधे मर्डर केस ढूंढ रहे थे। एक ऐसा केस जहां जिंदा आदमी को या उसकी लाश को रेल की पटरी पर इस कदर लटाया गया हो जिससे वो एक एक्सीडेंट केस लगे। और हम चौंक गए जब हमारी सोची गई मोडस ऑपरेंडी दरअसल एक असलियत साबित हो। मर्डर को एक्सीडेंट बनाने का यह तरीका बाकायदा अपनाया गया। अब हम ये मानकर चल सकते हैं कि 2009 में दयानंद मालगी का भी कत्ल हुआ हो, जैसे 2010 में नीलेश का और 2015 में नीलेश के छोटे भाई विजय कोटियन का। पूरे चांसेस हैं सर, क्योंकि तीनों ही केसेस में बॉडीज अरुणापुरम और हिमगुड़ी के बीच के ट्रैक पर ही मिली थी। लेकिन एक बात खटक रही है सर, तीनों ही केसेस में अलग अलग जीआरपी ऑफिसर्स थे। तीनों ही केसेस में बॉडीज को ट्रैक पर इस तरह से प्लेस किया गया है ताकि उनके चेहरे बिगड़ जाएं। ऊपर से ये तीनों विक्टिम्स ड्रंक थे सर। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन तीनों में से किसी भी केस में पोस्टमार्टम के बाद भी इस मोडस ऑपरेंडी को क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया। शायद इसलिए क्योंकि तीनों ही केसेस को बारीकी से ऑब्जर्व नहीं किया गया। अक्सर लोग नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पर चलते हुए इसी तरह मारे जाते हैं, इसलिए शायद तीनों मर्डर्स को एक्सीडेंट केसेस मान लिया गया। और ऊपर से तीनों वारदातें अलग अलग वक्त पे हुई, 2009, 2010 और 2015। शायद इसलिए पैटर्न किसी की पकड़ में नहीं है। अंजलि कविता को लेकर आ रही है सर, इस कविता की ग्रिलिंग करते हैं तगड़े। वही एक लिंक है इस दयानंद मालगी और नीलेश कोटियान के बीच। पति दयानंद मालगी हैं। 14 जुलाई 2009 तारीख सही है? जी, हम दोनों पूरा दिन साइट पर काम कर रहे थे। शाम को मैं घर चली गई और रोज की तरह पीने चले गए और फिर रात भर घर नहीं आए। ये नीलेश तुम्हारी जिंदगी में दयानंद के जाने के बाद आया या उसकी मौजूदगी में? मौजूदगी में, पर जैसा आप समझ रहे हो ऐसा नहीं था। नीलेश तब सिर्फ मेरा दोस्त था और उससे मेरी हालत देखी नहीं जाती थी। कविता, हम 2015 से उल्टे पैर चलते आ रहे, विजय कोटियान से 2010 में विजय के बड़े भाई नीलेश कोटियान था, और फिर एक साल पीछे 2009 दयानंद मालगी था। लेकिन तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। तुम्हारे रास्ते का कांटा दयानंद था, कैसे निकालो उस कांटे को? नीलेश ने। और नीलेश को किसने मारा? और 5 साल बाद नीलेश के छोटे भाई विजय को किसने मारा और क्यों मारा? कविता, एक के बाद एक तीन मर्दों की लाशें बिछाई गई। क्या ये तीनों तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा थे? क्या ये तीनों तुम्हारे प्रेमी थे? विजय को तो मैं जानती तक नहीं थी, कभी नहीं मिली थी उससे, बस उसके बारे में सुना था नीलेश से, और आज पता चला कि वो भी मर गया। ठीक है कविता, तुमने विजय को नहीं मरवाया,
पर दयानंद को? क्या नीलेश ने तुम्हारे कहने पर दयानंद को मार दिया या फिर तुम्हारे पीठ पीछे, ताकि वो दयानंद को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर पाए और खुद उसकी जगह ले पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो खुद नीलेश पर शक था, इसलिए मैंने उससे कई दफा पूछा, पर हर बार वो यही बोलता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ओमकार प्रसाद, रतन राव, कार्तिक गिरी, ये तीनों कंस्ट्रक्शन साइट के कामगार और पेशेवर हत्यारे भी, ये तीनों मर्डर्स में शामिल हो सकते हैं। तुम इन तीनों को जानती हो? नहीं साहब, मैं ये रतन, ओमकार वगैरह को नहीं जानती, कार्तिक को जानती हूँ और उससे दयानंद के बारे में पूछा भी था मैंने। कार्तिक, तुमने दयानंद को देखा क्या? वो चार दिन से घर नहीं आया है। हाँ, मैंने भी कई दिनों से दयानंद को यहाँ पर नहीं देखा है, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने उस दयानंद के आई बाबा से भी पूछा, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता। तुम फिजूल में अपना दिल जला रही हो, जबकि दयानंद का दिल किसी और औरत के लिए जलता है। मतलब वो उसके साथ भाग गया क्या? हो सकता है। वैसे मुझे उन दोनों के लफड़े के बारे में पहले से पता था, पर अब उनका निजी मामला में दखल देने वाला कौन होता हूँ? और कविता, समझने की कोशिश करो, दयानंद तुम्हें छोड़ के जा चुका है, अब उसका इंतजार करना महज एक बेवकूफी है। सच कहूँ साहब, मुझे दुख महसूस नहीं हुआ था, बल्कि एक तरीके से सुकून ही मिला था दयानंद के जाने से। बस छोटी सी दुआ निकली दिल से कि उस औरत को दयानंद का प्यार मिले जो मुझे कभी नहीं मिला था। अगर तुम्हें दयानंद के जाने से इतनी राहत मिली थी और तुम उस औरत को इतनी दुआएं दे रही थी, तो तुम्हें नीलेश पर शक क्यों हुआ? साफ शक इसलिए हुआ था क्योंकि दयानंद जैसे जालिम इंसान को किसी औरत के साथ भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो चाहता तो मुझे घर से निकाल देता और उस औरत को घर ले आता, और वो ये सब बहुत आसानी से कर सकता था। इसीलिए शक हुआ साहब कि वो गायब नहीं हुआ बल्कि गायब करवाया गया है। फिर भी तुम पुलिस के पास नहीं गई कविता? साहब, कौन अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है? दयानंद का मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाना मेरे लिए अच्छी खबर थी। और कविता, तुम्हारी ये अच्छी खबर खून में लिखी गई थी। 14 जुलाई 2009 तुम्हारा पति दयानंद घर वापस नहीं आया, और 15 जुलाई 2009 को अरुणापुरम और हेमगुड़ी रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिली। और कविता, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लाशें भी बोलती। तुमने सिर्फ ये सोचा कि ओमकार, रतन और कार्तिक अपने काम में माहिर हैं, तुमने उनसे ये काम करवाया। ये विजय क्यों मारा? ये सच नहीं है साहब, नीलेश के गायब होने के बाद 2010 में मैं मागी हल्ली छोड़कर सोलापुर चली गई थी। तो सोलापुर में बैठकर तुमने विजय का कत्ल करवाया? मोबाइल फोन को रिमोट कंट्रोल जैसे इस्तेमाल किया? विजय को क्यों मारा कविता? क्या उसे पता चल गया था कि नीलेश को तुम लोगों ने मरवाया? ओमकार प्रसाद, रतन राव और कार्तिक गिरी, इन तीनों के अलावा उनके साथ चौथा कौन था? सर, ये चंद्रू भिखारी, उसने कहा था कि उसने लाश को ठिकाने लगाते हुए चार लोगों को देखा था, पिए हुए था। क्या पता उसने तीन आदमी और एक औरत को देखा हो। ये कविता मोरे उर्फ कविता मालगी। क्या जी, तू दो खंबा भी पी जाऊं तो आदमी को औरत थोड़ी ना बोलूंगा, और ये औरत तो साड़ी पहनी है, वो चारों आदमी ही थे। फटाफट काम कर दिया उन चारों ने, और पक्का उनमें औरत नहीं थी। सर, ये कविता के पूरे एक साल के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन इसमें एक भी नंबर यहाँ मागी अली का नहीं है, सिवाय नफीसा के। हुए जुर्म का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने, और फिर भी किसने किया, क्यों किया, इसका एक भी स्केच हमारे पास नहीं। इन तीनों हथियारों के लिए मैनहंट लॉन्च करो, इनमें से कोई एक भी या आधा भी हमारे हाथ लगा ना, तो हमें इस केस का क्रैक मिल जाएगा। हमने एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, रतन राव, ओमकार प्रसाद और कार्तिक गिरी, इन तीनों को ढूंढने के लिए। लेकिन वो चौथा शख्स कौन था, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल था। हमने ऐसी हर लोकेशन को स्कैन किया जहां इन तीनों को पनाह मिल सकती थी। हर कंस्ट्रक्शन साइट हमारे रडार पर थी, कोई भी जगह छोड़ी नहीं गई जहां से ये लोग फरार हो पाए।
आखिरकार हम चौथे रहस्यमय हत्यारे तक पहुंचे जो विजय कोटियान के मर्डर में शामिल था, पद्माकर गौड़ा। उसे केवल इतनी भनक थी कि हम लोग उसके बाकी तीन साथियों की तलाश कर रहे हैं। पद्माकर ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस ट्रिपल मर्डर केस की जड़ को पकड़ लेंगे। पद्माकर के बारे में मैंने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप लोगों ने कभी मुझसे पूछा ही नहीं उसके बारे में। क्या वो भी इस कांड में शामिल है? बस करिए नाटक। वैसे तुमने हमें बड़ी चालाकी से इस पद्माकर के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया पहले। ऐसा नहीं है। जैसा भी है, गड़े मुर्दे उखड़ चुके, अब सारे कंकाल सामने। इन हत्याओं में मेरा कोई हाथ नहीं था। एक बात और, मैं पद्माकर को पूरी तरह भुला चुकी हूँ। अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आखिरकार ये केस तब क्रैक हुआ जब रतन राव हमारे हाथ आए। सबसे पहले हम रतन राव तक पहुंचे और उसके जरिए बाकी तीनों तक। 2009, 2010 और ये 2015। अब इन तीनों के पहले, बाद में या दौरान बाकी जितने भी कत्ल किए हैं वो सब के सब बता दे रतन। 2015 और 2010 वाले मर्डर में मैं शामिल था, 2009 वाले में मैं शामिल नहीं था साहब। शुरू हो जा। सबसे पहले 2015, विजय कोटियान। क्यों मारा तूने विजय कोटियान को? वो तो तेरा दोस्त था ना? दोस्त था वो मेरा, पर वो कार्तिक गड़बड़ किया। कैसी गड़बड़? एक दिन विजय के साथ दारू पी रहा था, तभी पता नहीं क्या बक दिया। दूसरे दिन विजय अपना प्लान लेके मुझे आके मिला साहब। क्या हुआ विजय? अरे तेरे को मेरे साथ मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। अरे करना क्या वो तो बता विजय। तू मेरा दोस्त है ना? बोल, दोस्त है ना? ये भी कोई पूछने का बात है? काम क्या है? किसी को जान से मारना। किसको? उसने जिसने मेरे नीलेश अन्ना को जान से मार दिया। लग कार्तिक कल सब कुछ बताया मेरे को। 5 साल से मेरे से सब कुछ छुपा के रखा था वो। ए कार्तिक, क्या बोल रहे बे? और नहीं तो क्या विजय, तो कविता को लेकर उसके दिल में खंजर गड़ा है, खंजर। वो कविता भी उस पर मरती थी। छोड़ना है यार। तो क्यों छोड़ना, क्यों छोड़ना? मेरे को पता पड़ा था कि मेरा नीलेश अन्ना किसी कविता के लिए पागल है। वो कविता तो 5 साल पहले ही अपने गांव लौट गई, और अभी तू बोल रहे ए तो पद्माकर ने मार डाला ना? अरे क्यों बाल की खाल निकाल रहा है, जाने देना। अरे निकालूंगा ना यार, बाल की खाल निकालूंगा मैं। मेरा नीलेश अन्ना 5 साल से घर नहीं लौटा है। मेरे अम्मा अप्पा का हालत खराब है उसका इंतजार में, और अभी तू बोल रहा है ए बोलना वो पद्माकर ने मार डाला ना मेरे अन्ना को, क्योंकि वो जान छिड़कता था कविता पे, है ना? बोलना। मैं नशे में कुछ भी स्टोरी बना रहा हूँ। तेरे ग्लास खाली है, लेना क्या? लेना। अरे पक्का मालूम है मेरे को, उसने पद्माकर ने मेरे अन्ना को मार डाला, और दयानंद को भी उससे पहले पद्माकर ने मारा होगा। अरे क्या बोल रहा है विजय? सच बोल रहा हूँ मैं, एकदम एकदम सच। मैं तेरे से पूछता हूँ, तू साथ देगा ना मेरा उसको मारने में? मेरा साथ देगा ना पद्माकर को मारने में? उसके बाद ओमकार को भी साइड में लूंगा मैं। बोल, साथ देगा ना मेरा? साले कमीने, 5 साल के बाद उल्टी कर दिया ना। हाँ? यार पद्माकर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। देखो बस नशे में बग दिया मैंने, भाई मुझे माफ कर दे। देख तेरे पैर पड़ता हूँ भाई। क्या बोला क्या तू उसको? ऐसा कुछ नहीं बोला यार पद्माकर, वो तो बस विजय मुझसे पूछ रहा था कि पद्माकर इतना दुखी दुखी क्यों रहता है, तो मैंने कह दिया कि कविता पे लट्टू था यार। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई। यार वो जो सन की विजय है ना, वो 2 का 2 6 कर रहा है माँ का, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला पद्माकर। देख पद्माकर, ऐसा है कि अगर मैं और ओमकार साथ ना भी दे, मुकर जाए, तो भी विजय तेरे ऊपर हमला करेगा किसी को साथ में लेके, खून सवार है उसके सर पे। वो बदला लेना चाहता है अपने भाई नीलेश के मौत का। विजय ने उसी के साथ बदले का प्लान बनाया जिसने उसके भाई को मार डाला था, मतलब तुम्हारे साथ।
तब तो विजय को सिर्फ इतना पता था कि पद्माकर ने नीलेश को मार डाला। अगर विजय को मालूम पड़ता कि हम तीनों भी इसमें शामिल है, जैसे कि मैं, ओमकार और कार्तिक, तो हमारे भी पीछे पड़ जाता। नीलेश को कैसे मारा तुम लोगों ने? कार्तिक को बोला नीलेश को पिलाने ले जाने को, और जब वो टाइट हुआ तब हम वहाँ पहुँचे। नीलेश, कविता से बात की तूने शादी के लिए? हाँ की, लेकिन ना वो हाँ बोल रही है ना ना। ऐसा क्यों? अरे उसका पति था ना दयानंद, जानवर था जानवर। अच्छा वो उसकी जिंदगी से निकल गया। दयानंद का दिया हुआ दर्द, उसका डर कविता के दिल से नहीं निकल रहा। अच्छा नीलेश, तुझे पता है कविता की जिंदगी से दयानंद को किसने बाहर निकाला? नहीं, तुझे पता है? कार्तिक। नवंबर 2015 को विजय को क्या कहकर बुलाया कि तुम लोग मिलकर पद्माकर को मारोगे? हाँ साहब, मैं विजय को बोला कि ओमकार पद्माकर को पिला के पूरा टून कर देगा, उसके बाद अपन वहां पहुंचेंगे और मार देंगे पद्माकर को। मैं किसी का खून करने जा रहा हूं। चल। हाँ चल विजय, अभी पद्माकर फुल टाइट हो गया होगा पी के, वो ओमकार ने खूब पिलाया होगा उसे। मेरे नीलेश अन्ना को मारा तूने उस कविता के लिए ना? हाँ, हालांकि मारने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, जैसे कि तुझे भी मारने का दिल नहीं है, पर क्या कर, मजबूरी है। तूने मुंह नहीं फाड़ा होता ना तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 5 साल बीत चुके थे यार, सब कुछ सेटल था, क्यों बोला तू? भाई माफ कर दे यार पद्माकर, दिल से माफी मांग रहा हूं, गलती हो गई थी यार। जैसा कि आपको बोला साहब, नीलेश और विजय को हम चारों ने मिलकर मार डाला, पर 2009 वाले मर्डर में मैं शामिल नहीं था सब। अभी कुछ टाइम पहले ये जो निखिल मार्गी का मर्डर किया तुम दोनों ने, ओमकार और तूने मिलकर, इसके अलावा और कितने सुपारियां ले चुके हो तुम दोनों आज तक? जो जो किया सब बता दिया, उसके अलावा कभी कुछ नहीं किया हमने। ईश्वर, इससे पहले कि पद्माकर गायब हो, उठाओ इसे। बाप रे, ये सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, लेकिन ऐसा माजरा क्या हुआ था इनके बीच? हाँ हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं और पद्माकर प्यार में थे, लेकिन वो तब की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। पद्माकर आई नहीं मानेगी, उन्हें हमारी जात का लड़का ही चाहिए। कविता, हम दोनों एक ही जात के हैं, गरीब जात, और अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करें ना तो जात बदल कर अमीरी जात के हो सकते हैं। आई सुनेगी ही नहीं, उन्होंने दयानंद मालगी के माँ बाप को हाँ कर दिए। दयानंद? ये कौन? दयानंद के माँ बाप हमारी बस्ती में रहते, उन्हें मैं शादी के लिए पसंद आई तो उन्होंने आई से बात की,
उन्होंने कहा शादी का पूरा खर्चा वो ही उठाएंगे और दहेज भी नहीं लेंगे। ऊपर से हम दोनों एक ही जात के हैं। आई ने पक्की कर दी बात। क्या मतलब पक्की वक्की कर दी? कविता तू चल हम दोनों भाग चलते। मैं आई के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मतलब तू किसी भी दयानंद वयानंद के साथ शादी कर लेगी? करनी पड़ेगी। मैं बस यही बोलने आई थी तुझे। कविता बोलना, तू कैसे जीऊंगा मैं तेरे बगैर? और तू जी लेगी मेरे बगैर? कोशिश करनी होगी हम दोनों को, बख्शत सारे घाव भर देगा। साहब, अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो क्या उसे रोज सामने पीटा हुआ देख सकोगे? कभी चेहरा सूजा हुआ है, कभी चाल लंगड़ी है। साहब, जब जब मुझे कविता ऐसी हालत में दिखती ना, तब मेरा खून खौलने लगता। साहब, वो वैशी जानवर दयानंद मेरी कविता मेरे प्यार को खुरेद खुरेद कर खत्म करने पर तुला था। दयानंद से शादी के बाद मैंने पद्माकर से कभी मदद नहीं मांगी, कभी भी नहीं। बस कभी कभार साइड पे टकरा जाते थे तो दो चार बातें हो जाती थी। कविता, तेरे चेहरे पर दयानंद के हाथ के निशान देखकर दिल फटता है मेरा, सच में दिल फटता है। नसीब पद्माकर, नसीब। तेरी माँ खुश है तेरी हालत देखकर? मेरी आई को मेरी हालत दिखती कहाँ है? वो तो बस एक ही बात दोहराती रहती है, दयानंद पति है तेरा, संभाल उसे। अरे बहुत संभाल लिया, अब तू अपनी जिंदगी संभाल। तेरी जिंदगी तुझे खुद जीनी है, तेरी आई को नहीं। मैंने पद्माकर को कभी नहीं कहा कि दयानंद को मार दो। पर उसने दयानंद को मार दिया, वो ये कबूल कर चुका है। क्या पद्माकर ने आपको कहा कि मैंने उससे कहा? मुझे पूछने दीजिए उससे, कब कहा था मैंने कि दयानंद को मार दो? देखो पद्माकर, मैं तो कहता हूँ कविता को भगा के ले जाओ, क्यों झंझट पालना? कविता ऐसे नहीं भागेगी कार्तिक, कविता मेरे साथ तभी चलेगी जब दयानंद उसकी दुनिया से नहीं पूरी दुनिया से चला जाएगा। आ गया साला। जिस कविता को मैं फूल जैसा रखता था उसको कैसे मुरझा डाला रे तूने? हाँ, आदमी है कि हैवान? हाथ पकड़ उसका। पीछे खींच, पीछे खींच, बस 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 बस। चल कविता, साथ चलते। मैं ठीक हूँ। अरे कविता, मैंने कब बोला कि तू ठीक नहीं है? देख, मैं तेरे घर के तरफ ही जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ डबल सीट पे। मैं पैदल चली जाऊंगी। कविता देख, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मेरे को तेरे से शादी करनी है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, तुमसे नहीं, किसी से भी नहीं। अब सब कुछ बदल चुका है। लेकिन मैं नहीं बदला रहे कविता, मैं अब भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं जितना तब करता था। मैं वही हूं। मैं वो नहीं हूँ। देखो, मैं घुमा के बात नहीं करूँगी, लेकिन मुझे अब तुम्हारे लिए वैसा नहीं लगता जैसे पहले लगता था। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी भुला चुकी हूँ और अब मुझे अपनी एक साल की शादी और दयानंद दोनों को भुलाना है। मैं बस अब काम करना चाहती हूँ और अपना पेट खुद पालना चाहती हूँ।
ऐसा होता है कभी, आपको भी मालूम होगा कि प्यार खत्म हो जाता है किसी के लिए। पर पद्माकर ने दयानंद को खत्म कर दिया और फिर नीलेश को भी, जिससे तुम प्यार करने लगी थी। यही बात पल्ले नहीं पड़ रही है मैडम, पद्माकर किसी को मारने वाला गुंडा बदमाश नहीं था, भला इंसान था वो। पता नहीं उसे क्या लगा, उसे कि दयानंद और नीलेश को मार के वो मुझे हासिल कर लेगा। कविता के प्यार में मैंने दयानंद को मार डाला, फिर मुझे नीलेश के बारे में पता चला, दिमाग सुन पड़ गया साहब। ये सच है पद्माकर, कविता अब नीलेश के प्यार में, शायद इसीलिए कविता तुम्हें मना कर रही होगी। क्या हुआ, कुछ पता चला? उसकी पड़ोसन मिली थी मुझे, नफीसा। क्या बोली वो, कहाँ गई है कविता? वो बोली कि कविता कहीं चली गई है, पूरे मोहल्ले में किसी को पता नहीं है। नफीसा से उसका नंबर लिया, लेकिन वो बोली कि नंबर बदल गया है और जो पुराना वाला नंबर है वो बंद आ रहा है। दयानंद और नीलेश को मैंने एक मकसद से मारा था, कविता को हासिल करने के लिए, लेकिन कविता ही मुझे ठुकरा कर चली गई। उसके बाद मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं रखा, एक कार्तिक की एक गलती की वजह से मेरी जान को खतरा था। साहब अगर मैं विजय को नहीं मारता तो विजय मुझे मार डालता। ये लोगों को जान से मारकर रेल की पटरी पर चेहरा बिगाड़ना कब से चल रहा? दयानंद पहला था साहब, उससे पहले मैंने जिंदगी में एक मक्खी तक नहीं मारी थी। सीधे सीधे बोल, कितने? सीधे सीधे बोल रहा हूं साहब, दयानंद, नीलेश और विजय, मैं कविता की कसम खा के बोल रहा हूं साहब। कविता इस सब के बारे में पहले से जानती थी ना? नहीं साहब, उसको तो रत्ती भर की खबर नहीं थी। क्यों वे जीतू, आज तूने मुझे सामने से बुलाया, क्या हुआ? ये ले रख, ईमानदारी से इनाम का आधा हिस्सा दे रहा हूँ। वैसे तू आदमी काम का है। वो तो मैं हूँ, पर कोई मानता ही नहीं। कोई नई खबर है ना तो फोन घुमाना, ठीक है? कहा हमें पता लगा कि रतन राव, ओमकार प्रसाद और कार्तिक गिरी एक और सुपारी हत्या में शामिल थे। उन्होंने कबूल भी किया। फिलहाल उनकी इंटरोगेशन चल रही है, उनकी और केसेस में इन्वॉल्वमेंट का पता लगाने के लिए। अगर दयानंद के एक्सीडेंट केस को थोड़ा और संजीदगी से लिया गया होता, अगर मर्डर होने के चांसेस टटोले गए होते, तो सच 8 साल पहले ही सामने आ जाता। अगर ऐसा होता तो 7 साल पहले नीलेश की मौत नहीं होती, और इसके चलते जाहिर है विजय भी बदला लेने के लिए घर से नहीं निकलता और मारा नहीं जाता। हमने पहले भी ऐसे कई केसेस हैंडल किए हैं जहां रेलवे ट्रैक पर लाश मिलती है, सब एक्सीडेंट समझते हैं, पर निकलता मर्डर है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें इस केस से एक बड़ी सीख मिली है, कोई भी सुराग, टिप ऑफ, बिना अच्छी तरह टटोले उसे नजरअंदाज करना सही नहीं। आखिरकार समय पर लगा एक टांका 9 टांके बचाता है। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.